आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स के बारे में। कल माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था अपने दो नए स्मार्टफोन। 3 नवंबर को 12 बजे उन्होंने दो अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च किए और इंडिया में फिर से कमबैक किया है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग कल हमारे साथ जुड़े लाइव देखा, करीब 80,000 लोगों ने लाइव देखा कल एक साथ माइक्रोमैक्स के फोन का लॉन्च होते समय। तो उन सारे 80,000 लोगों को मेरे तरफ से शुक्रिया। बात करते हैं, जो टाइटल देख के आप आए हो, जो थंबनेल देख के आप आए हो, क्या माइक्रोमैक्स ने फिर से मतलब धोखा दिया है कि वो चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर फोन लॉन्च कर रही है या चाइनीज फोनों को लाके रीब्रांड करके लॉन्च कर रही है? देखिए, क्लियरली इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो नहीं, माइक्रोमैक्स ने खुद से इन्वेस्ट किया है। 500 करोड़ रुपीज माइक्रोमैक्स इन्वेस्ट की है इसके अंदर, और माइक्रोमैक्स और फ्रिक्वेंटली अच्छे अच्छे फोन लेके आने वाले हैं। डिटेल में बात करूं, जब से कल से फोन लॉन्च हुआ है, काफी लोगों को सबसे पहले ही जब उन्होंने डिजाइन लीक की थी फोन की, जब ही लोगों ने कहा था कि वो माइक्रोमैक्स का जो फोन है वो ऑनर के 9 के कुछ साथ, ऑनर 9X के साथ मैच होता है डिजाइन वाइज। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिजाइन मैच नहीं होता है। ऑनर 9X अगर आप कैमरा कटआउट देखोगे और इसका कैमरा कटआउट देखोगे तो टोटल आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूं तो फ्रंट डिस्प्ले भी आप देखोगे तो कोई फोन से मैच नहीं होते है। रेडमी नोट 9 है या आपके सैमसंग के फोन है, आप देखिए डिस्प्ले तो काफी सारे फोनों के सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले अलग होते हैं, डिस्प्ले लिया आपने लगाया फोन पे और दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है कि डिस्प्ले में बहुत ही कुछ अलग डिजाइन आ जाएगा। या तो आपको पंच होल मिलेगा, या आपको होल डिस्प्ले मिलेगा, या आपको नॉच वाला मिलेगा, या साइड में नॉच मिलेगा, या पिल शेप मिलेंगे। यही कुछ डिस्प्ले के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं, इनमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती। देखिए, इंडियन कंपनी है, इंडिया में, देखिए आप अभी ये मत समझिए कि पूरा ही प्योरली वो जो फोन है वो मेड इन इंडिया है। प्रोसेसर से लेके, डिजाइन से लेके, अंदर के कंपोनेंट से लेके, एवरीथिंग प्योर इंडियन है, ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कौन सी कंपनी, अगर आप सैमसंग को एज एन नॉन चाइनीज कंपनी मानते हो कि सैमसंग नॉन चाइनीज कंपनी है, क्या सैमसंग की भी हर एक चीजें कोरिया में बन जाती है? नहीं, सैमसंग के भी काफी सारे पार्ट्स चाइना में से बनके जाते हैं, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं होगी वहां पे अगर कोरिया में बनाने की, या सैमसंग को वहां पे सस्ता मिल रहा होगा तो सैमसंग वहां से खरीदेगी, अपने इधर आके उसको बनाएगी, थोड़ा और अच्छा करेगी, फिनिश करेगी, प्रोडक्ट में असेंबल करेगी और बेचेगी। अब कौन सी कंपनी ऐसी है, एप्पल को आप क्या नॉन चाइनीज कंपनी मानते हो? एप्पल के सारे फोन्स चाइना में ही बनते हैं, A to Z उनका तो पूरा कंपोनेंट चाइना में आता है, बॉक्स पे तक लिखा रहता है मेड इन चाइना, डिजाइन इन कैलिफोर्निया खाली लिखा रहता है, तो आप उसको एज अ चाइनीज कंपनी कैसे नहीं मान सकते? क्यों? क्योंकि बस उसका हेड ऑफिस आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, सैमसंग का हेड ऑफिस आपको कोरिया में देखने को मिलता है, और आपको ये जो एसुस है इनका हेड ऑफिस ताइवान में देखने को मिलता है। इसके लिए देखिए, नहीं, ये सब भी नॉन चाइनीज कंपनियां मानी जाती है ना, क्यों? इनका डिजाइन, इनका R&D सब कुछ ये अपने होम टाउन, होम कंट्री में करती है। हाँ, अब देखिए, टोटल चीजें एक जगह बनाना पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया में इतनी बड़ी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जहां पे आप सारी ही कंपोनेंट्स बना सकते हो, प्रोसेसर बना सकते हो, फिर आपके जो भी चिप्स होते हैं वो आप सब बना सकते हो, आपके इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं, PCB होती है, आप सब चीज, मदरबोर्ड, ये सब आप इधर इंडिया में डेवलप नहीं कर सकते हो, इतनी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अगर सपोर्ट मिला, काफी अच्छा ग्रोथ किया कंपनी, तो कंपनी जरूर इंडिया में भी बनाना शुरू करेगी। लेकिन मैं कोई माइक्रोमैक्स से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई माइक्रोमैक्स से पैसे नहीं दिए इस चीज के लिए करने के लिए, मैं खाली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि काफी लोगों को डाउट है कि माइक्रोमैक्स एक चाइनीज कंपनी है, उसने चाइना से फोन लिया और स्टिकर लगा के अपना दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अपना इंडिया में R&D खोला है, 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। 500 करोड़ ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं किया जाता, अगर उनको खाली यही बिजनेस करना था कि वहां से लाके रीब्रांड करके बेच लेना, तो उसके लिए 500 करोड़ की जरूरत नहीं, उसे काफी कम पैसे के अंदर वो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अब आने वाले टाइम में फोन्स देखोगे, डिजाइन देखोगे, काफी आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और ये भी डिजाइन मेरे ख्याल से आपने कोई फोन का डिजाइन ऐसा सिमिलर आप नहीं बता सकते हो कि ये फोन का डिजाइन इससे 100% मैच करता हो। अब देखिए, थोड़ा बहुत तो हर एक ही फोन का डिजाइन मैच करता है। अब जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे एप्पल का वो जो पीछे के बाजू उनका वो स्क्वायर रहता है, उसके 2-3 कैमरा डाल देते हैं, बाकी कंपनी भी तो स्क्वायर यूज करती है ना अपने पीछे कैमरा मॉडल के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है, वो अलग स्टाइल से यूज करती है। तो आप देखिए, इंडियन कंपनी है, सीधी सी बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए एज एन इंडियन कंपनी। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए, जो प्राइस पे लॉन्च किया है, जो स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है, पहले माइक्रोमैक्स क्या करता था, कोई भी फोन, मैं फ्रेंकली बता दूं, कोई भी फोन उठाता था चाइना में से, सस्ते सस्ता फोन उठाता था, उस पर खाली MI का लोगो डाल देता था, अपना माइक्रोमैक्स का लोगो डाल देता था और भेज देता था, कुछ भी अनशर्ट प्राइस में भेज देता था। पहले के जमाने में माइक्रोमैक्स नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, अब वो वापस गिर गई है।
अब लेकिन उन्होंने कम बैक किया है, पागलों की जैसे कम बैक नहीं किया है कि चलिए उठा लिया फोन, उसमें हमने बस लोगो डाल के बेच दिया, नहीं। आप देख सकते हो कि उनके प्रोसेसर अच्छे हैं, उनका डिस्प्ले अच्छा है, उनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है, बैटरी अच्छी दे रहे हैं, ओवरऑल आपको एक कॉम्पिटिटिव फोन दे रहे हैं। अगर अब आपको 11,000 रुपए के अंदर 4GB रैम, 64GB वाला स्टोर फोन, क्वाड कैमरा, मीडियाटेक का हीलियो G85, 5000mAh की बैटरी, 18W फास्ट चार्जर, ये आपको कोई एक ऐसे मतलब लग रहा है सुनने में लग रहा है कि हाँ ये चीज आपने सुनी है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स रियलमी हो गए, शाओमी हो गए, रेडमी हो गए, इनके आपने स्मार्टफोन देखे जिनके अंदर आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। इंडिया में आज तक कोई भी लावा हो गया या माइक्रोमैक्स हो गया, इंटेल हो गया, पहले इनके फोन में कभी ऐसा आपने सुना था कौन सा वो अननोन कोई प्रोसेसर आ जाता था, कोई अननोन बैटरी आ जाती थी, कुछ भी आ जाता था और लोग भेज देते थे, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता था। अब जैसे जैसे आप ये सुन रहे हो आप कंपेयर कर पाओगे कि नहीं हाँ माइक्रोमैक्स के सामने खड़ा है एक डिवाइस जो कि रेडमी नोट 9 है, पोको का M2 प्रो है या पोको M2 है, इनको आप कंपेयर कर सकते हो उस प्राइस के अंदर, उस स्पेसिफिकेशन के साथ, और कंपेयर करके लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रोमैक्स ही लेना है, इंडियन कंपनी ही लेना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। इंडियन कंपनी लोगे, जो पैसा है वो इंडिया में ही री इन्वेस्ट होगा, इंडियंस को ही काम आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फैक्ट्रीज लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया का पैसा एक शॉट इंडिया में ही रहेगा। लेकिन माइक्रोमैक्स से कोई पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। काफी लोगों को लग रहा है कि पैसा दिया है माइक्रोमैक्स ने या माइक्रोमैक्स का बहुत तरफ तरी कर रहा है, कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ना अभी तक है इंडिया के अंदर और ना इतनी जल्दी बन पाएगा जब तक पूरा A to Z जो भी स्मार्टफोन के अंदर कंपोनेंट लगता हो इंडिया में बने। प्रोसेसर आपको बनाना पड़ेगा, आपको PCBs बनानी पड़ेगी, आपको मदरबोर्ड बनाने पड़ेंगे, आपको चिपसेट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अलग अलग रैम बनानी पड़ेगी, रोम बनानी पड़ेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगी जो इतनी जल्दी इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। हाँ टाइम लगेगा, सपोर्ट चाहिए रहेगी कंपनीज को, फिर शायद जाके इंडिया में भी हो सके। लेकिन 100% अगर आप बोलोगे स्क्रैच से इधर फोन बनना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रोमैक्स पहले की जैसे कर रहा है कि फोन लेके आ गया और उसने बेच दिया खाली ब्रांडिंग करके, नहीं, वो अपनी R&D लगा रहे हैं, वो डिजाइन है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, कैसे यूज करना है, वो सब इंडिया में ही डिसाइड होता है। फिर जो चीज इंडिया में अवेलेबल है वो इंडिया में से ही ली जाएगी, जो चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो देखा जाएगा कि और खा पे अवेलेबल है तो वहां से लेने की कोशिश की जाएगी। इंडिया में जो चीज है और वो चीज बाहर से आप ले रहे हो तो चलो समझ में आता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन जो चीज इंडिया में बन सकती है उसे इंडिया में बनाया जा रहा है और कुछ कंपोनेंट्स है जो इंडिया में नहीं डेवलप किए जा सकते और डेवलप नहीं होते हैं इंडिया में तो उन्हें तो आपको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा क्लियर सा मैसेज है, 500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया है, ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं किया है और सपोर्ट कीजिए, बस इंडियन कंपनी है, बाकी आपके ऊपर है। मेरा खाली ये एक ओपिनियन था, इसको एज ओपिनियन ही लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद।